भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले उन्हें हरियाणा में लोकसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया था, लेकिन भाजपा वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और 10 में से केवल 5 सीटें ही जीत पाई। सतीश पुनिया लगभग 4 वर्षों तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले उन्हें हटाकर सीपी जोशी को उनकी जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद ऐसी भी कई अटकलें लगाई गई कि भाजपा की सरकार बनने पर पुनिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि आमेर विधानसभा से वे विधायक का चुनाव हार गए। सतीश पुनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। क्या जानबूझकर उन्हें राजस्थान से दूर किया गया है? क्या उनके चुनावी करियर पर विराम लग गया है? क्या ओम माथुर की राह पर है सतीश पुनिया? क्या अब सतीश पुनिया संगठन में ही काम करते नजर आएंगे? आपको बता दें कि सतीश पुनिया की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ उनके छात्र जीवन से ही हुआ। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 2004 से 2006 तक पुनिया भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे और 2006-2007 तक प्रदेश मोर्चा प्रभारी के रूप में कार्य किया। 2004 से 2014 तक उन्होंने 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव के रूप में सेवाएं दी। सतीश पुनिया को संगठन का आदमी माना जाता है। उन्होंने 30 वर्षों तक भाजपा और उससे जुड़े संगठनों में काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और आमेर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। एक साल बाद जब उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो मुख्य धारा के नेताओं ने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। अशोक गहलोत तो उनका नाम तक नहीं लेते थे। हालांकि पुनिया ने गहलोत सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए, तो क्या बीजेपी जाट समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए सतीश पुनिया का इस्तेमाल संगठन में करने का मन बना चुकी है?